दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबीज का इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल्स, और ऐसे में उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। आजकल भारत में छोटे बच्चे पांडा सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर पांडा सिंड्रोम होता क्या है, कैसे होता है, किन बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है और इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। ये एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों में होती है और इसका संबंध स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण से होता है। इस सिंड्रोम के कारण बच्चों में अचानक व्यवहारिक और मानसिक बदलाव आ सकते हैं। ये बच्चों के न्यूरोसाइकाइट्रिक प्रणाली पर असर डालता है। तो ऐसे में चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये होता क्या है। पांडास एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों पर हमला करता है। इसका प्रमुख कारण गले में स्टेफ इंजेक्शन होता है जो शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। जब शरीर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से लड़ता है तब कुछ एंटीबॉडी गलती से मस्तिष्क के बेसल गैलिनिया क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है। इससे बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्थिति में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। पांडास सिंड्रोम के लक्षण आपके बच्चे में अचानक से देखने को मिलते हैं। आमतौर पर बच्चे जिन्हें ये सिंड्रोम होता है वे कुछ समय पहले तक नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के बाद उनके बिहेवियर में काफी कुछ चेंज आ जाता है। आपके बच्चे को ओसीडी होना शुरू हो सकती है। जी हाँ, बच्चों में अचानक जुनूनी विचार और कंपल्शन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो बार बार हाथ धोने, गिनती करने या किसी खास चीज के बारे में सोचने जैसा कार्य करने लगते हैं। वहीं बच्चों में एंजाइटी और फियर फैक्टर भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो किसी खास सिचुएशन में बहुत ज्यादा डरने लगते हैं या अनजान चीजों को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। बच्चों के मूड में अचानक और बार बार बदलाव देखने को मिल सकता है। वो अचानक बहुत खुश हो सकते हैं तो कभी किसी पल में वो गुस्सा भी हो सकते हैं। वहीं बच्चों में चेहरे, हाथ या शरीर के दूसरे हिस्सों में अनैच्छिक झटके या मरोड़ पैदा हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार हाथ हिला रहा है बिना किसी रीजन के तो समझ जाइए कि आपके बच्चे को पांडा सिंड्रोम हो गया है। वहीं अगर आपके बच्चे को पांडा सिंड्रोम है तो आपका बच्चा सही से नींद भी नहीं ले पाएगा। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और इस वजह से उनके स्कूल में मार्क्स भी कम आते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? देखिए, पांडा सिंड्रोम का प्रमुख कारण स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। वहीं अगर इसके इलाज की बात करें तो अगर आपको अपने बच्चे में भी ये चुनिंदा लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।